क्वेश्चन को देखते हैं, अभी देख रहे थे, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास है H2 plus Cl2 is equal to हो जाएगा 2HCl और S, बस हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब ये देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम HCl में हाइड्रोजन का जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, +X=0, X=-1, मतलब HCl में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। सल्फर में 0 ऑक्सीडेशन नंबर, क्लोरीन में भी 0 ऑक्सीडेशन नंबर। हम एक और देख लेते हैं H2S, इसमें हम एच का मान लेते हैं, निकाल लेते हैं -2=0, तो 2X=+2 और X=-2। क्या हुआ, किसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आ रहा है, हाँ -2/2=+1। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया आपका +1, यहाँ सल्फर का आ गया -2। ठीक है, ये बात समझने के बाद दूसरा स्टेप होता है आपका किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन। तो Cl-Cl0 से Cl- बना, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, रिडक्शन हो गया, ठीक है, रिडक्शन हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ देखते हैं H2S से S का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बात क्या निकली, आपको क्या समझ आया, मतलब ये हुआ कि Cl2 का रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेंट है, क्या ये ऑक्सीडेंट। और H2S की बात करें तो H2S में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपका रिडक्टेंट है, ठीक है। आई बात समझ में आपको, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें या नोटेशन बना लें, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लेके आते हैं दूसरा क्वेश्चन।